लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल बावजा की नाहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार के वकील को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस मामूनुर रशीद शेख ने कौमी अम तरक्की पार्टी की दरखास्त पर समाअत की है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और फैसल वादा को भी फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया कि फैसल वादा ने लाइव शो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बूट पॉलिश करने और चाटने के संगीन इल्जाम आयद किए हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मेमो गेट में हुसैन हकानी और डॉन लीज के मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाती तो फैसल वादा गेट वाकया पेश न आता। फैसल वादा ने पाकिस्तान की आला जमहूरी और दिफाई इदारों को बदनाम करने की साजिश की है। उन्होंने मौके पर इख्तियार किया है कि फैसल वादा आर्टिकल 621F के तहत पार्लियामेंट और काबीना का हिस्सा नहीं रह सकते। अदालत इलेक्शन कमीशन को फैसल वादा को नाअहल करार देने का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि अदालत फैसल वादा के स्कैंडल की इंक्वायरी के लिए अदालती कमीशन बनाने का हुक्म दे।